हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो आप सब। आई होप आप जिंदगी के मजे ले रहे होंगे। गाइस आज हम आपके लिए थर्रा देने वाली मूवी कैबिन फीवर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी जैसे ही स्टार्ट होती है हम व्यूअर्स जंगल में एक लकड़बग्गे सी शक्ल के एक आदमी को देखते हैं जो हंटिंग करके वापस कैंप के लिए आ रहा होता है। फिर जैसे ही वो अपने डॉग के करीब जाता है वो देखता है कि उसका डॉग मस्त सोया हुआ है और वो उसे जगाने के लिए उंगली करता है तो एकदम से खून की धार उसके फेस पर आकर गिरती है। कुत्ता सड़ रहा होता है। असल में गाइस ये डॉग एक वायरस से इन्फेक्टेड हो गया होता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम व्यूअर्स चुल मचाते हुए फाइव कॉलेज फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि वेकेशन के लिए उसे जंगल में मंगल करने जा रहे होते हैं जहाँ ये वायरस फैल रहा है। फिर रास्ते में ये एक शॉप पर रुकते हैं बियर शियर लेने के लिए। वहीं उस शॉप के बाहर एक चटकोरा बालक बैठा हुआ होता है और पॉल उस लड़के के पास जाकर बैठ जाता है और बात करने लगता है कि इतने में उस लड़के को माता आ जाती है। वो पॉल के हाथ में काट लेता है और पॉल का सूख कर छुआरा हो जाता है। पॉल की चीखने की आवाज से उस लड़के के पापा वहाँ पर आते हैं। वो अपने बेटे को डांटते हैं, साले सुअर एक और आदमी को काट लिया, सुधर जा नहीं तो एक थप्पड़ में जहर मुतेगा, चल सॉरी बोल। वही बच्चा समझकर पॉल भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद ये शॉप के अंदर बियर शियर लेने चले जाते हैं। अरे ओम फो ठंडी बियर। इसके बाद ये सामान बटोर कर सीधा यहाँ से वेकेशन स्पॉट के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद ये वेकेशन स्पॉट पर पहुँच जाते हैं। फिर सब अलग अलग होकर मजे करने लगते हैं। जेफ और मार्सी केविन में ही रुकते हैं। दोनों में बहुत आग होती है। दूसरी तरफ कैरन और पॉल स्विमिंग के लिए लेक साइड पर पहुँच जाते हैं और बर्ड AK-47 लेकर शिकार करने के लिए जंगलों की तरफ जाता है। इधर बर्ड जंगल में गिलहरी का शिकार कर रहा होता है और दूसरी तरफ केविन में तुम्हारा भाई जेफ जिंदगी के मजे ले रहा होता है। वहीं कैरन और पॉल सनबाथ ले रहे होते हैं। कैरन को बिकनी में देखकर पॉल पिघल जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ चुलबुला बर्ड जंगल में गिलहरी को शूट कर रहा होता है, लेकिन तभी गिलहरी को शूट करने के चक्कर में वो एक आदमी को गोली मार देता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब यहाँ हम व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि उसके डॉग का ब्लड इस आदमी के ऊपर गिरने से ये आदमी भी वायरस से इफेक्टेड हो गया होता है। उस आदमी की हालत देखकर बर्ड को बवासीर हो जाता है, उसकी बुरी तरह से फट जाती है। वो आदमी बर्ड के करीब आकर उससे मदद मांगता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है। वहीं बर्ड उसे बंदूक दिखाकर अपने नजदीक आने से रोकता है। वो उसे कहता है कि अगर जरा सा भी पास आए तो बेटा ऐसी गुप्त जगह गोली मारेंगे कि दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। और बर्ड जंगल से भागकर वापस केबिन की तरफ आ जाता है, लेकिन वो इस बात को किसी से भी नहीं बताता, सीक्रेट ही रखता है। इसके बाद रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ ये सब कैंप फायर के अराउंड बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी आता है, उसके पास एक डॉग होता है। वो आदमी इन लोगों से कैंप फायर के पास बैठने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पहले तो ये लोग मना कर देते हैं, फिर वो आदमी इन्हें गांजा हीरोइन दिखाकर पटा लेता है। फिर ये सब गांजा फूंकते हैं। नेक्स्ट सीन में ये सब वापस केबिन में आ जाते हैं। सभी रिलैक्स होकर बैठे ही होते हैं कि तभी इनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जेफ दरवाजे को खोलता है तो दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि वही इफेक्टेड आदमी होता है जिसे बर्ट को गोली मारी थी। इस आदमी की हालत और भी बदतर हो गई होती है। वो इन लोग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तभी उस आदमी की नजर बर्ट पर पड़ती है। वो बर्ट को पहचान लेता है, लेकिन इससे पहले वो आदमी कुछ कह पाता बर्ट जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है। इसके साथ ही बर्ट अपने फ्रेंड्स को भी इस आदमी की मदद नहीं करने देता। तभी विंडो से ये सब देखते हैं कि वो आदमी उनकी गाड़ी लेकर जा रहा है। ये देखकर बर्ट और बाकी सब संदूक और हथियार लेकर दौड़कर बाहर आते हैं। बर्ट उस आदमी को गन पॉइंट पर रख कर गाड़ी से बाहर आने को कहता है। इसी दौरान हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि उस आदमी को कार में ही खून की उल्टियां होने लगती हैं, उसकी तबीयत बिगड़ रही होती है। तभी बर्ट गाड़ी के टायर्स में शूट करके गाड़ी को पंचर कर देता है, जिसके बाद मजबूरन उस आदमी को गाड़ी से बाहर आना पड़ता है। इसी दौरान जेव उसे आग दिखाकर पीछे करने की कोशिश करता है। निकल जा भड़वे यहाँ से, नरक काट दियो बे तुम। अनलकली आग उस आदमी की बॉडी में दौड़ पड़ती है, जिसके बाद वो आदमी आग से झुलसता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है। आगे ये दिखाते हैं कि सब बहुत टेंशन में होते हैं, इनकी रात की नींद उड़ गई होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मालसी हेल्प के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ बर्ट और जेफ पास की ही लोकेलिटी में मदद करने के लिए जाते हैं। इधर केबिन में टेंशन में आकर कैरन अपना सामान सट्टा पैक कर रही होती है कि तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है। वो कैरन को हग करके उसे शांत करता है। इसी बीच हम व्यूअर्स उस इफेक्टेड
आदमी की डेड बॉडी को भी देखते हैं जो कि वाटर रिजर्वायर में तैर रही होती है और इसी रिजर्वायर का पानी ये सब लोग पी रहे होते हैं, यानी कि अब ये सब भी इन्फेक्टेड होने वाले हैं। दूसरी तरफ जेफ और वर्ड मदद की तलाश में भटकते हुए एक फार्म में पहुंच जाते हैं। ये फार्म में एक लेडी से मिलते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं कि आसपास अगर कोई मैकेनिक हो तो प्लीज बता दे, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। इस पर वो लेडी इन्हें बताती है कि आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, इसके लिए तुम्हें टाउन जाना पड़ेगा, तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं किसी को फोन करके तुम्हारे लिए मैकेनिक बुलवाती हूँ। घर पहुँच कर वहाँ इन्हें एक फोटो दिखती है जो कि उसी इफेक्टेड आदमी की होती है। असल में गाइस ये आदमी इस लेडी का कजिन होता है। ये देखकर दोनों सकपका जाते हैं और फौरन ही बहाना करके घर से भाग निकलते हैं। आगे केविन के बाहर पुलिस ऑफिसर आता है जो कि इनके आसपास पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। पॉल फौरन ही ऑफिसर को एक झटके में सारी वारदात एक्सप्लेन कर देता है। वहीं ऑफिसर उनके लिए कल तक गाड़ी का इंतजाम करवाने के लिए प्रॉमिस करता है। आगे पॉल और बट अपनी गाड़ी में लगे ब्लड को साफ कर रहे होते हैं, तभी एकदम से वहां पर उसी अजनबी व्यक्ति का डॉग आ जाता है। वो डॉग इन्हें देखकर भौंक रहा होता है। इससे पहले वो इन्हें काट पाता तभी मार्सी डॉग को शूट करके उसे वहां से भगा देती है। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स कैरन और पॉल को बेड पर देखते हैं। अनकंट्रोल्ड होकर दोनों प्यार करने लगते हैं और पॉल को कुछ अजीब सा फील होता है। फिर पॉल जब कैरन के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है तो उसका हाथ खून से सन चुका होता है। असल में गाइस कैरन भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। ये देखकर पॉल सबको इस बारे में बताता है कि कैरन की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके बाद सब लोग दौड़कर कैरन के रूम में आते हैं। लेकिन बर्ड सबको रूम से बाहर निकाल देता है और कैरन को बेड पर रहने को कहता है। ये सब देखकर कैरन काफी घबरा जाती है। वहीं बर्ड पॉल को समझाता है कि ये सब कुछ मैं हम सबकी सेफ्टी के लिए ही कर रहा हूं, नहीं तो हम सब इफेक्टेड हो जाएंगे। फिर ये कैरन को घर से बाहर स्टोर रूम में शिफ्ट कर देते हैं जिससे बाकी लोग सेफ रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये दिखाते हैं कि वर्ड ने गाड़ी स्टार्ट कर ली होती है और बाकी लोग कैरन को लेकर बाहर आते हैं। तभी हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि बर्ड भी इफेक्टेड हो गया है, लेकिन वो अपने दोस्तों से ये बात सीक्रेट रखता है। फिर पॉल और मार्सी कैरन को गाड़ी में बिठाने लगते हैं, तभी कैरन की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है और वो कार में ही खून की उल्टी कर देती है, जिसके बाद जेफ गाड़ी में बैठने से मना कर देता है। फिर गुस्से में बर्ड डॉक्टर को यहाँ लेकर आने को कहता है और गाड़ी लेकर अकेला ही चला जाता है। इसी दौरान हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि जेफ भी इन लोगों को छोड़कर जाने लगता है। मार्सी उसे जाने से रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता है। अब केवल मार्सी और पॉल ही बचे होते हैं। कैरन तो बेचारी इफेक्टेड होकर मरने वाली होती है। फिर ये कैरन को वापस से स्टोर रूम में लिटा देते हैं। वहीं मार्सी बहुत परेशान होती है कि अब वो नहीं बच पाएंगे। पॉल उसे शांत करने के लिए गले लगाता है। इसी दौरान ये दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। ये एक दूसरे को किस भी करते हैं और फिर जोर से पेलम पिलाई का कार्यक्रम चालू हो जाता है। इसी दौरान हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि मार्सी भी इफेक्टेड हो चुकी है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि बर्ट उसे शॉप पर पहुंच जाता है। वो शॉप के ओनर से मदद मांगता है और डॉक्टर को कॉल करने के लिए कहता है कि इतने में शॉप ओनर का नटखट बालक बर्ट के हाथ को दबोचकर काट लेता है। ये देखकर शॉप ओनर को काफी गुस्सा आता है कि उसकी वजह से उसका बेटा भी इफेक्टेड हो गया। ओनर गन लेकर बाहर आता है बर्ट को पेलने के लिए, लेकिन तब तक बर्ट रफ उचक्कर हो जाता है। अब ओनर और उसके फ्रेंड्स बर्ट को पेलने के लिए कार से उसका पीछा करते हैं। इतने में बर्ट की गाड़ी भी रास्ते में खराब हो जाती है और वो पैदल ही जंगल की तरफ भागने लगते हैं। जब किस्मत में लगे हो लोड़े तो क्या खाकर करोगे पनीर के पकोड़े। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स मार्सी को देखते हैं जिसका इन्फेक्शन पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। वो अपने लेग को सेव कर रही होती है, तभी उसके लेग की स्किन निकलने लगती है और उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। घबरा कर वो केविन के बाहर आ जाती है। इसी दौरान वहाँ पर वही डॉग आ जाता है। वो मार्सी पर अटैक कर देता है, उसे जिंदा ही खाने लगता है। मार्सी के चीखने की आवाज पॉल सुन लेता है और जब वो जंगल से वापस आता है वो देखता है कि डॉग ने मार्सी को पूरा खा लिया है। फिर जब पॉल स्टोर रूम में जाता है तब वो देखता है कि डॉग कैरन को नोच नोच कर खा रहा होता है। वहीं पॉल को देखकर वो डॉग उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन पॉल उस डॉग को शूट कर देता है। अब कैरन की कंडीशन देखकर पॉल हक्का बक्का रह जाता है। वो अपने फ्रेंड को इस दर्द में नहीं देख सकता, जिसके बाद वो एक फावड़ा लेकर कैरन को मार देता है। फिर पॉल अपना सामान लेकर वहां से जाने लगता है, तभी एकदम से वहां पर बर्ट आ जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। वो उसे बताता है कुछ लोग उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। फिर पॉल जल्दी से बर्ट को अंदर ले आता है। इसके साथ ही शॉप ओनर और उसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। फिर जैसे ही वो तीनों दरवाजे को खोलते हैं सामने बर्ट होता है। वो बर्ट को शूट कर देते हैं। मौके देखकर पॉल भी उन पर अटैक कर देता है। 2-3-5 तुम्हारी गेंद तोड़ू, इतने में गलती से गोली चल जाती है।
होती है और सीधा शॉप ओनर को लगती है। फिर पॉल उस तीसरे आदमी के सर में चक्कू पेलकर उसे भी मार देता है। इसके बाद पॉल उनकी ही गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो नोटिस करता है कि अब वो भी इफेक्टेड हो गया है। इससे वो अपने सेंसेस में नहीं रहता और गाड़ी एक हिरन से जाकर टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं पॉल फौरन ही गाड़ी से उतरकर भागने लगता है। वो जंगल में हो रही एक पार्टी में पहुंच जाता है। वहां उस पार्टी में वही ऑफिसर भी होता है जिसने पॉल को हेल्प के लिए प्रॉमिस किया होता है। पॉल उसे गले आता है। सुअर के पिल्ले यहाँ लड़कियों के साथ रंगरलियां मना रहे हो। ऑफिसर पॉल को शांत करने की कोशिश करती है लेकिन पॉल पेले जा रहा होता है। इसी दौरान ऑफिसर को फोन पर बताया जाता है कि जो कोई भी आपके आसपास इफेक्टेड हो उसे देखते ही शूट करके मार दिया जाए। हालांकि वो पॉल को मारता नहीं है लेकिन पार्टी कर रहे लोग उसे पेलने लगते हैं जिसके बाद पॉल की सटक जाती है और वो सबको इफेक्टेड करने लगता है। पॉल वहां से भागकर रोड पर आ जाता है। तबीयत बिगड़ने से पॉल रोड पर ही फैल जाता है। तभी सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। ट्रक का ड्राइवर पॉल को उठाकर हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देता है। आगे हॉस्पिटल में पॉल की कंडीशन देखकर डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये वायरस से इफेक्टेड है जिसके बाद वो उसे मारने का डिसाइड करते हैं। वहीं शेरिफ पॉल को मारने का काम उसी चुलबुले ऑफिसर को देता है। वो उसे कार में डालकर वहां से ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दिखाते हैं कि जेफ वापस से उसी केविन की तरफ आता है। वो देखता है कि सब लोग मर चुके हैं। वो खुश होता है कि वो बच गया। असल में गाइस जेफ इतने दिनों से बियर ही पी रहा होता है, उसे पानी नहीं पिया होता है जिस वजह से वो अभी तक इफेक्टेड नहीं हुआ होता है। इसी दौरान हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि ऑफिसर घात लगाए बैठे होते हैं। वो जेफ को देखकर उसे शूट करके मार देते हैं। फिर पुलिस सारी डेड बॉडीज को कलेक्ट करके आग लगा देते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि उस चुलबुले ऑफिसर ने पॉल की डेड बॉडी को नदी के किनारे फेंक दिया होता है जिस वजह से उसका ब्लड नदी के पानी से मिल जाता है। और फिर दो बच्चे आकर उस नदी से पानी को भरते हैं। ये बच्चे इसी पानी की शिकंजी बना बना कर बेचते हैं। तभी उसी शॉप के बाहर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दो ऑफिसर आते हैं। ऑफिसर बच्चों के काम को सपोर्ट करने के लिए उनसे शिकंजी खरीद कर पी लेते हैं। फिर टाउन में लगभग काफी लोग उन्हीं बच्चों से शिकंजी खरीद कर पीते हैं। अब आप व्यूअर्स समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मेरे जिगर के टुकड़ों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।